गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट कंटिन्यू द चैप्टर फिफ्थ, द एलिंग प्लैनेट। चलिए हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एलिंग प्लैनेट। आई हैव डिलीवर टू लेक्चर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इन द फर्स्ट वन वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन, इन द सेकेंड वन वी स्टार्टेड द रीडिंग। I told you this is an article taken from the Indian newspaper, the Indian Express newspaper. यह एक आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस newspaper से लिया गया है, and this one is written by नानी पालकी वाला. So the language this article is having, that is very tough. It's just like a editorial. Like क्या है ये editorial? कि editorial से आपका जो है ये article उठाया गया है, तो language थोड़ी सी typical है बेटा. क्या बताया गया है इसमें? द एलिंग प्लैनेट, नेम सजेस्ट, प्लैनेट हियर रिप्रेजेंट अर्थ। थोड़ा सा पीछे से टच करके चलें तो अर्थ को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, उसकी मिजरेबल कंडीशन को, और यहीं पे साथ में ग्रीन मूवमेंट करूँ कि हाउ डिड ग्रीन मूवमेंट चेंज द थिंकिंग ऑफ कॉमन ह्यूमन बींग। ठीक है, उसने कैसे जो ग्रीन मूवमेंट ने कॉमन पर्सन की जो है वो थिंकिंग को चेंज कर दिया। बिफोर दिस ह्यूमन बींग वॉज हैविंग मकैनिस्टिक व्यू। इससे पहले जो व्यू था ना ह्यूमन बींग का वो मकैनिस्टिक था, एंड दैट व्यू इज चेंज इन होलिस्टिक। देखो ऊपर से मैं अगर आपको दिखाऊँ, हाउ डिड दैट मकैनिस्टिक होलिस्टिक व्यू, सॉरी मकैनिस्टिक व्यू दैट इज चेंज इन होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। How it happened? With the help of this movement. This movement is a green movement. Okay. Now listen. Later we started. We discussed up to here. This was a revolutionary movement, green movement. And then writer started to describe regarding the miserable condition of the earth. Earth sign represent itself just like a patient whose health is decreasing day by day. जिसकी हेल्थ डेली जो है और भी बद से बदतर होती जा रही है। एंड वी मस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इफ़ यू वॉन्ट टू सेव द अर्थ एंड द नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, देन वी मस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्रोमाइजिंग द कंप्लीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। कि भी बिना प्रेजेंट फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरतों को उससे कॉम्प्रोमाइज़ किए और प्रेजेंट की जो नीड है उसे कंप्लीट किया जाए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। आज हमारी रीडिंग ये सेकेंड लेक्चर की यहाँ से स्टार्ट होने बेटा। दिस वन अ न्यू कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो हाईलाइटेड हेयर, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देर इज़ अ केस वेयर द नोटिस रेड्स हैं। लुसाका में जाम्बिया प्लेस पे जहाँ लुसाका है उसके अंदर एक जू में केस हैं, और वो केस में एक नोटिस है, नोटिस लगा हुआ है वहाँ पे। क्या नोटिस है? देखो द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, भाई बाहर नोटिस लगा हुआ है कि इस केस के अंदर सबसे डेंजरस एनिमल है। इन साइड द केस देर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर, और अंदर देखे तो केस के अंदर कुछ नहीं है, बस एक मिरर है। वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पे कि आप खुद को देख पाएंगे। आपसे मतलब रीडर को कह रहा है, रीडर से मतलब ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग विल एबल टू सी हिमसेल्फ ओनली एंड थैंक्स टू। हैव यू रियलाइज्ड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन? सो मोस्ट डेंजरस एनिमल इज ह्यूमन बींग अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज नॉट नाउ डॉन्ट अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। राइटर कहता है कि मैं थैंक्स करना चाहता हूँ बहुत सारी एजेंसीज़ का जो अलग अलग कंट्रीज़ के एजेंसी ने इस कॉन्सेप्ट पे काम किया, बिकॉज अ न्यू अवेयरनेस दैट इज़ मेड क्लियर्ड। डॉन्ट अपॉन का मतलब होता है बेटा क्लियर्ड। एक नई अवेयरनेस यहाँ पे जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट की है रिगार्डिंग द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। उसे रियलाइज़ हुआ है कि कैसे जो डोमिनेशन है वो अब पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है। उनके अंदर इतनी मतलब विजडम ह्यूमन बींग के अंदर आई है कि अब दे रियलाइज दैट दे आर नॉट हैविंग फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, दे मस्ट शेयर दिस अर्थ विद अदर्स। पार्टनरशिप पे यहाँ पे रहना चाहिए बजाय के डोमिनेशन के। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाउ लेटर व्हाट राइटर सेड, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड। अब उसी शेयरिंग को बताएगा, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। वो कहता है साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। भाई ह्यूमन बींग इज शेयरिंग द अर्थ विद
these spaces, 1.4 million. It means human being is not the only creature present on this earth. इसका मतलब ये है कि human being अकेला नहीं है, उसे other creatures के साथ जो हैं वो इस अर्थ को शेयर करना पड़ता है. हाँ, इट्स ट्रू दैट ह्यूमन बींग इज़ हैविंग सुप्रीम पावर देन अदर क्रिएचर्स. ये सच्चा है कि भी ह्यूमन बींग के अंदर सुप्रीम पावर है. दैट्स वाई ही थिंक्स दैट ही इज़ हैविंग द फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. बट नाउ ही मस्ट कंसिडर दैट ही इज़ नॉट द ओनली क्रिएचर. ठीक है, अदर्स क्रिएचर ऑल्सो हैविंग होल्ड ऑन दिस अर्थ. उनका भी वैसे इतना ही होल्ड है अर्थ पर जितना कि ह्यूमन बींग का है. एस्टिमेट्स वराई वाइडली रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पेसिस. एस्टिमेट जो है वो वराई, वराई का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग है. एस्टिमेट इज डिफरेंट एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पेसिस. मतलब बहुत जो अभी अनकैटलॉग्ड है ना लिविंग स्पेसिस, उनके बारे में एस्टिमेट अभी डिफरेंट डिफरेंट है. कोई कितने कहता है, कोई कितने कहता है, कोई कहता है अभी 3 मिलियन अनकैटलॉग्ड है, कोई कहता है 10 मिलियन अनकैटलॉग्ड है, कोई कहता है 100 मिलियन अनकैटलॉग्ड है. वो ये कह रहा है, लाइन को समझना. एस्टिमेट्स वराई आइडली वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसिस. एस्टिमेट आपका अलग अलग है जो अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेसिस हैं. बायोलॉजिस्ट रैकन, रैकन मीन्स होता है बेटा थिंक, THINK. बायोलॉजिस्ट थिंक दैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्विश अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस. कि लगभग ना नियर अबाउट 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन जो अदर लिविंग स्पीसीज है वो आज भी अनकैटलॉग्ड है, लैंग्विश अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस. इग्नोमिनियस से मतलब है बेटा आपका जो कि वैसे तो इग्नोमिनियस होता है इनफेमस, ठीक है, जो फेमस ना हो, मतलब जिनके बारे में पता ही ना हो. ठीक है, यहाँ इग्नोमिनियस को आप कह सकते हैं अननोन डार्कनेस, ठीक है, ऐसे अंधेरे में जिससे अवेयर नहीं है. ठीक है, और या फिर कहें डीप डार्कनेस, क्लियर, कि एक बिल्कुल गहरे अंधेरे में है और उनके बारे में पता नहीं है. लैंग्विश का मतलब होता है आपका अननोटिस्ड. लैंग्विश मीन्स अननोटिस्ड, ठीक है, यू विल राइट डाउन इन योर बुक अननोटिस्ड. वो अभी अननोटिस्ड हैं लगभग जो हैं, मतलब 3 to 100 उसने इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा इसीलिए उसने देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. 3 to 100 मतलब 3 से लेके और 100 मिलियन तक. कोई कितने कहता है, कोई कितने कहता है, कोई कितने, इतनी लिविंग स्पीसीज है जो अभी तक अनकैटलॉग्ड है. क्या बताना चाह रहा है, आर यू गेटिंग? वो ये कहना चाह रहा है ह्यूमन बींग इज़ शेयरिंग दिस अर्थ, अ लॉट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. बहुत सारे क्रिएचर यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, दे आर शेयरिंग दिस अर्थ. सो ह्यूमन बींग इज़ नॉट द ओनली क्रिएचर. ठीक है, चलिए, तो ह्यूमन बींग का मतलब एटीट्यूड चेंज होना चाहिए. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया. बेटा क्वेश्चन आता है यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है. क्या क्वेश्चन पूछेगा वो? क्वेश्चन पूछेगा मैन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, हाउ? ठीक है, कैसे वो डेंजरस एनिमल है? बिकॉज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द डेप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग. अगर डेप्लेशन जो नेचुरल रिसोर्स है, जो एलिंग सिचुएशन अर्थ की बनी है, वो इज़ रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन बींग इज़ रिस्पॉन्सिबल. जितने भी एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं, एक्सटिंक्शन जो चल रहा है उसके ऊपर कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बींग. तो जितने भी प्रॉब्लम्स अर्थ पे है ना, ओनली ह्यूमन बींग इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो इन सच मैनर ह्यूमन बींग इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ. ठीक है, देखिए अब वो कहता है वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर एलिया. ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे कमीशंस आए, उनमें से इंटर एलिया का मतलब होता है बेटा अमंग अदर. इंटर एलिया का मीनिंग क्या होता है? अमंग अदर. बहुत, अमंग अदर का मतलब बहुत सारे आए, उनमें से एक. ठीक है, विच डील्ट, डील्ट से मतलब आप देखो सब्जेक्ट से कनेक्ट किया करो. यहाँ पे कोमा आया, कोमा आने के बाद इंटर एलिया का कनेक्शन नहीं है डील्ट के साथ, डील्ट का कनेक्शन है विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. वॉज द ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स. गेटिंग? चलिए देखिए सुनिए, एक वहाँ पे क्वेश्चन था इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का. ठीक है, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उस ब्रांड कमीशन, वो द ब्रांड कमीशन जो कि ब्रांड कमीशन ने रेज किया, वो ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसमें बहुत ही फेमस
ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड कहें टैलेंटेड फेमस, वैसे डिस्टिंग्विश्ड का लिटरल मीनिंग डिफरेंट होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे फेमस है। ठीक है, एक बड़े फेमस इंडियन थे, टैलेंटेड भी कह सकते हैं आप इनको, टैलेंटेड इंडियन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्या थे, टैलेंटेड थे। एज वन ऑफ इट्स मेंबर, वो इसके मेंबर थे, किसके मेंबर थे, इस कमीशन के मेंबर थे, फिर से ध्यान से समझो। और उनका नाम था मिस्टर एल के झा। देखिए फिर से देखिए एक बार, मीनिंग क्या कहती है लाइन, लाइन कहती है कि बहुत सारे इंटरनेशनल कमीशन्स आए जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पे, एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन रेज किए। उनमें से एक ब्रेंट कमीशन था, ब्रेंट कमीशन जिसने कि जो क्वेश्चन रेज, जिसके कि मेंबर एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे, इंडियन थे, और उनका नाम था मिस्टर एल के झा। ठीक है, चलिए वो कहता है फिर आगे, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, जो फर्स्ट रिपोर्ट इस कमीशन ने रिप्रेजेंट की ना बेटा, दैट रेज्ड द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन रेज किया, आर वी टू लिव आवर सक्सेसर अ स्कोज्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्पॉवरिस्ट लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट क्वेश्चन इज रेज्ड, वाज रेज्ड बाय मिस्टर एल के झा इन द ब्रांड कमीशन रिपोर्ट। गेटिंग, वट क्वेश्चन इज रेज बाई मिस्टर एल के झा इन ब्रांड कमीशन रिपोर्ट। तो वट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं भाई, वो कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, एक बार इतना और देखो। आर वी टू लिव आवर सक्सेसर अ स्कोस्ड प्लेनेट, स्कोस्ड का मीनिंग होता है बेटा बर्नड, बर्नड जला हुआ, ठीक है, जलता हुआ। एडवांसिंग डेजर्ट, एडवांसिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, एडवांसिंग का मीनिंग क्या होता है, एडवांसिंग मीनिंग इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। एंड इम्पावरिस्ट पुअर, इम्पावरिस्ट मीन्स पुअर, एलिंग तो पता ही है इल बीमार, कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, सक्सेसर्स नेक्स्ट जनरेशन, मीनिंग आप सारे लिख लेंगे अपनी बुक में जिसमें भी आपको डाउट हो, सक्सेसर्स नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, जलता हुआ प्लेनेट, बढ़ते हुए डेजर्ट और पुअर लैंडस्केप और इल एनवायरनमेंट, ये छोड़ के जाएंगे। चलिए, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब वो अलग अलग जो एनवायरमेंटिस्ट हैं उनके बारे में बताएंगे। फर्स्ट उन्होंने किसको बताया, मिस्टर एल के झा को, अब सेकेंड नाम ले रहे हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, एक बुक लिखी उन्होंने द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, एंड पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, कि अर्थ के जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ना, प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, मेन बायोलॉजिकल सिस्टम, वो चार हैं, कौन से, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। वट अकॉर्डिंग टू द लेस्टर ब्राउन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, समझ रहे हो, कौन से हैं ये आपके, ये चार सिस्टम, अभी आगे आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन आता है वट अकॉर्डिंग टू द लेस्टर ब्राउन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, दीज आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। वो कहते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम इन चार पे डिपेंड है, फिशरी पे सब क्लियर है अभी, फिश पे, फॉरेस्ट पे और ग्लास लैंड पे, क्रॉपलैंड पे, क्रॉपलैंड जो कि फर्टाइल लैंड होती है जहाँ पे कि क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन, यही तो मेरा क्वेश्चन था कि कौन है जो हमारी जो है वो ग्लोबल की फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के क्या हैं, देखो दोनों लाइन को मैं कनेक्ट करूँ यहाँ पे, दोनों आपके सामने हैं, एंड दे फॉर्म द ग्लोबल, द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, वो फॉर्म है किसकी, फॉर्म है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम फाउंडेशन की जो फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए, इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स, पेट्रोलियम डराइव्ड सिंथेटिक्स। इसके साथ इन एडिशन टू, अभी सिस्टम के बारे में बताते हैं कि ये सिस्टम
फूड तो सप्लाई करते ही करते हैं। दिस फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। सारा रॉ मटेरियल भी इन्हीं से आता है इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम, सिर्फ इन दो को छोड़ के। ठीक है, ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, क्योंकि ये भाई क्या है आपके वो हैं सिंथेटिक्स हैं, जिनसे कि भी सिंथेटिक्स बनाया जाता है। ड्राइव्ड सिंथेटिक्स का मतलब कि भी वो ये कहना चाह रहा है कि इन मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ के, और जो आपका जो कि सिंथेटिक्स से हैं भी, आप कहें कि मैन मेड हैं वो आपके, ठीक है, वो मैन मेड हैं आपके सारे, आपके क्या हैं ये, आपके क्या हैं मिनरल और पेट्रोलियम, ये नेचुरल हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सारा जो वो है ना, जो ऑफर किया जा रहा है, जो रॉ मटेरियल दिया जाता है, वो कौन देता है हमें, ये चार सिस्टम्स ही देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम वो इन्हें बता रहे हैं, आगे सुनिए। वो कहते हैं इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। बहुत बड़े एरिया में जो वर्ल्ड में ह्यूमन क्या कहता है इन सारे सिस्टम्स पे अपना वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गया है। ठीक है, ह्यूमन क्लेम, क्योंकि ह्यूमन क्लेम करता है ना इस पर कि मेरे हैं ये। ठीक है, तो ह्यूमन क्लेम अनसस्टेनेबल लेवल पे, मतलब ह्यूमन इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गया है। ठीक है, अनसस्टेनेबल लेवल पे कंज्यूम करने लग गया है, उस पर फ्री होल्ड दिखाने लग गया है। फिर वो कहता है अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड। वो अनसस्टेनेबल लेवल इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि इन चारों सिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है। क्या हो रही है, इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड समझते हो, हैंडीकैप्ड। ठीक है, हैंडीकैप्ड मतलब बहुत ही वीक फील कर रहा है, और मतलब सारे पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इम्पेयर्ड वही होता है, इम्पेयर्ड किसको बोलते हैं, जिसके सभी पार्ट्स फंक्शन ना कर रहे हों। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये चारों सिस्टम ना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ये सारे जो हैं वो क्या हो चुके हैं, इम्पेयर्ड हो चुके हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी इम्पेयर्ड हो चुकी है। मतलब जितनी फिशिंग से हमें वो मिलनी चाहिए, जो हमें मतलब उसका प्रॉफिट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे क्रॉप लैंड से नहीं मिल पा रहा है, ग्रास लैंड से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, इम्पेयर्ड हो चुके हैं। देयर बॉडी पार्ट्स आर नॉट वर्किंग। ठीक है, इनके पार्ट्स काम नहीं कर रहे अच्छे से। व्हेन दिस हैपन्स, ठीक है भाई, क्या होगा, हैपन्स देखो समझते हो, फ्यूचर के लिए बता रहे हैं क्या होगा अगर ऐसा ही रहा तो आगे क्या होगा। फिशरीज कोलैप्स, फिशरीज क्या हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाएंगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। डिसअपियर वैनिश, ठीक है, VANISH, वैनिश, गायब हो जाएंगे। एंड ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड। ग्रासलैंड क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, बैरन वेस्टलैंड में। क्रोपलैंड्स डेटरियोरेट, क्रोपलैंड्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे। प्रोटीन कॉन्शियस वर्ल्ड में, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड में जो ओवर फिशिंग है वो क्या है, कॉमन है हर रोज। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं प्रोटीन कॉन्शियस कि क्या है, यहाँ पे लोग प्रोटीन कॉन्शियस हैं, सबको ये चाहिए कि खाने में प्रोटीन होना चाहिए, इसलिए ओवर फिशिंग हो रही है। और पुअर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, जहाँ की पे कि लोकल फॉरेस्ट डिक्रीज्ड हो रहे हैं, डेसिमेटेड आपका कम होना, ठीक है, डिक्रीज्ड। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है बेटा टू गेट, ठीक है, टू गेट कि वो सब क्या चाहिए उन्हें, खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, और इस रीज़न के कारण वहाँ पे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। मतलब रिच को तो, रिच तो अटैक किस पे कर रहा है, फिशिंग पे, उनको प्रोटीन चाहिए। पुअर किस पे अटैक कर रहे हैं, फॉरेस्ट पे, उन्हें जो खाना बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट, मतलब इतनी अच्छी कोटेशन है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। वो कहता है कुछ प्लेसेस पे तो ऐसा है कि फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, कि फायरवुड इतनी महंगी हो गई है कि वट गोज़ अंडर द पोर्ट नाउ कॉस्ट मोर देन वट गोज़ इनसाइड इट। जो पोर्ट के अंदर होता है ना, अंदर, वो ज़्यादा है बजाय कि जो नीचे होता है वो उसके अंदर से ज़्यादा। मतलब मान लो ये आपका पोट है, चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के नीचे क्या लगाई, लकड़ी, ठीक है, और चूल्हे के उसके बर्तन के उसके ऊपर रखा है वेसल, वेसल के अंदर खाना है। तो वो ये कहता है बट गोज़ अंडर द पोट, जो पोट के अंदर है ना, मतलब जो खाना बन रहा है
नाउ को सॉरी अंडर मीन्स वुड, वन मिनट फिर से देखो कॉन्सेप्ट को देखो, वो कहता है देखो व्हाट गोज अंडर द पोर्ट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि जो पोर्ट के नीचे लगा हुआ है, नीचे क्या लगी हुई है, वुड लकड़ी लगी हुई है, वो ज़्यादा महंगी है बजाय कि जो पोर्ट के अंदर है। अब बात क्लियर हुई, जो पोर्ट के अंदर है वो क्या है, कम महंगा है, उसकी कॉस्ट कम है बजाय कि उसके जो पोर्ट के नीचे हैं, मतलब लकड़ी ज़्यादा महंगी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मैर, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, इसलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में डॉक्टर मैर की वर्डिंग बता रहा है। और राइटर क्या कहता है कि पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, कि डॉक्टर मैर ने कहा कि ये इवोल्यूशन के पावर हाउस हैं फॉरेस्ट। इवोल्यूशन समझते हो, इवोल्यूशन जो क्रांति आती है, ठीक है, हम कहें डेवलपमेंट, सॉरी, अब यहाँ पर रिवोल्यूशन होता है क्रांति, इवोल्यूशन क्या होता है, डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट है ना दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दो सिस्टम। ये डेवलपमेंट किसके कारण पॉसिबल है, इन चार सिस्टम्स, फॉरेस्ट के कारण, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा है। वो कह रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, मीन्स पावर हाउस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट, किसके कारण पॉसिबल है, फॉरेस्ट के कारण, ये डॉक्टर मैर बोल रहा है, ठीक है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन, बहुत सारे वो हैं स्पीसीज जो कि क्या फेस कर रही है, एक्सटिंक्शन, क्यों, एज द रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इनका डिस्ट्रक्शन है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो भी एनिमल्स कहाँ रहेंगे, उनके लिए प्लेस नहीं है ना, तो इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसे स्पीसीज है जो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, एक्सटिंक्शन हो रहा है जिनका, गॉट इट। तो आज हमने क्या पढ़ा, अब लास्ट पॉइंट हमारा बेटा फोर बायोलॉजिकल सिस्टम था। एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊँ, एक मिनट देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा आपको शॉर्ट करके बताऊँ ना कि क्या पढ़ा, देखो फोर बायोलॉजिकल सिस्टम पढ़े, फोर बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका क्या कौन सा हुआ, फिशरीज, क्रॉप लैंड, ठीक है, ग्रास लैंड और फॉरेस्ट, ये हैं चारों सिस्टम क्या हो रहे हैं, डेप्लेट हो रहे हैं, चारों का क्या हो रहा है, डेप्लेशन हो रहा है। डेप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, देखिए फिशरीज़ के लिए उसने रिच को रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि भाई दैट इज़ प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, वो क्या है, प्रोटीन चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिशिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो जो पुअर कंट्रीज़ है वो उन्हें डेप्लेट कर रही है, क्योंकि उन्हें खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है, लकड़ी चाहिए। तो उसने इतना मतलब ज़बरदस्त कमेंट किया कि भी वट गोज अंदर अंडर द पोर्ट इज़ द कॉस्टली देन द वट गोज इन साइड इट, जो उसके अंदर होता है, पोर्ट के अंदर खाना बन रहा होता है वो कम महंगा होता है, लकड़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो लास्ट में ये भी कहा कि फॉरेस्ट का जो डिप्लेशन हो रहा है बेटा, वो तो आपका बहुत ही कहें कि पेनफुल है, कि बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्शन की सिचुएशन पे आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ ए फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा, पहले हमने स्टार्टिंग की लास्ट बायोलॉजिकल सिस्टम से था, उससे पहले हमने कमीशन की रिपोर्ट देखी थी कि भी कौन कौन से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, एंड मैन इज़ नॉट हैविंग द फ्री होल्ड, ह्यूमन बींग के बारे में बता रहा है कि ह्यूमन बींग का कोई फ्री होल्ड अर्थ पे नहीं है, इट्स मस्ट हैव द एटीट्यूड ऑफ शेयरिंग दिस अर्थ विद अदर लिविंग स्पीसीज, उसका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वो अर्थ को शेयर करे दूसरे जो हैं एनिमल्स के साथ, ठीक है। आई होप यू गोट ऑल द पॉइंट, क्वेश्चंस भी मैंने साथ साथ बेटा बता दिए, फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो प्लीज़ आस्क टू मी, ओके। Thank you so much for watching this one.